तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक स्टेट यूनिवर्सिटी, पीछे नाम देख ही लिया होगा, जी हाँ विक्रम यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। उज्जैन महाकाल की नगरी है, छिपरों के तट पे है और कुंभ वगैरह भी लगता है। सो फेमस है एक प्रकार से सिटी, और वैसे ही ये स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि लॉ के कोर्सेज भी कंडक्ट करा रही है। पुरानी यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज देती है, लेकिन हम फिलहाल तो क्या है भैया लॉ की बात कर रहे हैं। सो लॉ कोर्सेज हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनके फी स्ट्रक्चर की, फैसिलिटीज की, प्लेसमेंट के क्या कैसे रिकॉर्ड्स हैं, सिलेबस में क्या है, फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करा रहे हैं और बच्चों के रिव्यूज, इन सारी चीज़ों के साथ हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आखिर तक इसको देखना है ताकि अगर आप टारगेट कर रहे हैं मध्य प्रदेश से हैं या यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं उज्जैन में, तो भाई हाँ आपको एक ऑप्शन ये हो सकता है या नहीं ये डिसाइड करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे आपकी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए और आप गाइडेंस चाह रहे हैं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलो भैया, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, और भैया ये अगर हम देखें तो अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी का इनको दर्जा दिया ही हुआ है। 1957 में, 1957 में एस्टैब्लिश्ड हुई ये यूनिवर्सिटी जो है, 300 से ज़्यादा एकड़ के कैंपस पर फैली हुई है और बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज है और भैया लॉ प्रोग्राम भी ये ऑफर करती है, BCI के द्वारा रिकॉग्नाइज है और लीगल एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने ये चीजें देखी ली, 1957 उज्जैन मध्य प्रदेश, UGC BCI का अप्रूवल, 171 से ज्यादा कॉलेज इनसे अफिलिएटेड है, ग्रेड ए नेक के द्वारा इनको एक्रेडिट किया हुआ है, 330 एकड़ का कैंपस एरिया है जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है भैया, कोर्सेस हम देखें सो वही कोर्स हमें जो यहाँ अवेलेबल है, LLB BA LLB ऑनर्स और LLM कोर्स यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो PG डिप्लोमा आपको साइबर लॉ और ह्यूमन राइट्स में ऑप्शन मिल जाएगा, PhD का ऑप्शन भी आपको लॉ में यहां से मिल जाने वाला है। सो वैरायटी ऑफ कोर्सेज लॉ में बिल्कुल स्टार्ट इनिशियल टू हायर लेवल तक आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। फी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो फी स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे हम LLB की बात करें 3 ईयर प्रोग्राम है, 10 से 20 हज़ार रुपये प्रति वर्ष की फीस यहाँ पे इस कोर्स के लिए। BA LLB ऑनर्स की बात करें 5 ईयर प्रोग्राम है, 15 से 30 हज़ार रुपये प्रति वर्ष का यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है, और LLM की बात कर ले तो 20 से 30 हज़ार रुपये प्रति वर्ष का आपका फी स्ट्रक्चर है, तो बहुत ज़्यादा फी भी नहीं है। ठीक है भाई, जो जनरली बच्चों को हाँ एक वर्डन लग जाता है कि बहुत ज़्यादा फीस है, क्या है कैसा, तो इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है यहाँ पे। क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी का, सो भैया LLB अगर आप कर रहे हैं 3 ईयर्स का, उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप LLB के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। BA LLB के लिए 12th पास आपको होना है, मिनिमम 45 to 50% का क्राइटेरिया है, ये थोड़ा सा ऐसा कि 50% जो है जनरल के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन। LLM अगर आप करना चाह रहे हैं तो LLB की डिग्री हो आपकी, और परसेंटेज मेरे ख्याल से 50% का क्राइटेरिया है, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ मिल जाता है कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो। सिलेबस देख लें अगर हम LLB की बात करें, 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, 3 ईयर प्रोग्राम है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, लेबर लॉ, फैमिली लॉ ये पढ़ने होते हैं। इसके अलावा टॉट्स हो जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम्स, फैमिली लॉ, लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग, इसके अलावा लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ईजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, लॉयर्स के लिए बार बेंच रिलेशनशिप क्या कैसी है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना होता है। इसके अलावा 4th सेमेस्टर कंपनी लॉ हो जाएगा, आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन हो जाएगा, ADR हो जाएगा, एनवायरमेंटल लॉ, इक्विटी ट्रस्ट, फिडिशियरी रिलेशनशिप हो जाता है, इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग हो जाएगा, लीगल एड, पैरा लीगल सर्विसेज, इन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। फिर क्राइम क्रिमिनल CRPC, इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस, प्रोहिबिशन ऑफेंस एक्ट, लॉ ऑफ एविडेंस, इंटरप्रिटेशन स्टेट्यूट, मूट कोर्ट का पार्टिसिपेशन होगा आपका, प्रैक्टिस कराई जाएगी, सारी चीज़ें हैं, ट्रायल प्रोसीडिंग वगैरह कराई जाएगी, लिमिटेशन एक्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंशिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको LLB में पढ़ना रहेगा। इसके बाद BA LLB की बात कर ले, 100 ऑनर्स प्रोग्राम जो 5 ईयर है, यानी 10 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, जनरल इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ टॉट्स, कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा Volume 2 इन्हीं के, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, हिस्ट्री, हिंदी, फ्रेंच लैंग्वेज, या फिर कंपनी लॉ, जुरिस्प्रूडेंस, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ आपको पढ़नी होती हैं। इसके अलावा बात करें 4th सेमेस्टर में
सो पॉलिटिकल साइंस वर्जन 4 आ जाएगा, थिंकर, आइडियोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो, इकोनॉमिक्स, फिर भैया कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, पॉलिटिकल साइंस में आगे गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह पे फोकस होगा, हिंदी फ्रेंच लैंग्वेज में से कुछ एक, एनवायरमेंट लॉ हो जाएगा, क्राइम हो जाएंगे, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके अलावा देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग, सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह अब चेंज हो जाएगा, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, इंटरप्रिटेशन हो जाएगा क्राइम स्टेट्यूज वगैरह का, ठीक है, फिर भैया प्रॉपर्टी, ह्यूमन राइट लॉ, मीडिया लॉ, बैंकिंग लॉ, है ना, फॉरेंसिक साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग, इसके अलावा अगर हम बात करें सो जेंडर जस्टिस, फैमिनिस्ट, ज्यूरिसप्रूडेंस, हेल्थ सिस्टम, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी लॉ, पिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपकी, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी फॉर लॉयर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्सेशन हो जाएगा, इंश्योरेंस लॉ वगैरह, ठीक है, ADR हो जाएगा, इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरनेशनल लॉ, राइट टू इंफॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत सारे आपके ऑप्शंस जो हैं, क्रिमिनल लॉ वगैरह जो आपको पढ़ने होंगे, तो ये सिलेबस आपका BA LLB का हो जाएगा। LLM की बात कर लें सो कंपलसरी आपका लॉ ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऑप्शनल पेपर जो होंगे क्रिमिनल लॉ ग्रुप वाले, इन्वायरमेंटल लॉ वाले आपको चूज करने होते हैं, ठीक है, कंपलसरी जुडिशियल प्रोसेस, इसके अलावा ऑप्शनल वाले बच्चे ऑप्शनल चूज कर लेते हैं, फिर थर्ड सेमेस्टर में लीगल एजुकेशन रिसर्च मेथडोलॉजी होगा, क्रिमिनल लॉ ग्रुप और एनवायरमेंटल लॉ ग्रुप वाले अपने कंपलसरी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो देख लेंगे इनमें से, डिसर्टेशन भी वो पूछे, ये फाइनल आपका फोर्थ सेमेस्टर में हो जाएगा और आपको डिग्री जो है मास्टर्स की मिल जाएगी। प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके हाईएस्ट जो है 8 से 10 लाख का और 3 से 5 का ऑन एन एवरेज पैकेज जो है वो बच्चों को यहाँ पे मिला है, जो बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते लेकिन अगेन ROI के टर्म में बढ़िया है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है नहीं, हमने जैसे डिस्कस किया उसके हिसाब से बढ़िया। स्कॉलरशिप्स भी बच्चों को मिल जाती हैं, अलग अलग हैं, जैसे मेरिट बेस्ड, नीड बेस्ड तो हैं ही, इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ हैं, साथ ही साथ गर्ल्स जो पार्टिसिपेंट हैं जो उनके लिए हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सेंट्रल स्टेट वाली अलग अलग, इसके अलावा डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑप्शन है और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कुछ हाँ आपको प्रोग्राम प्रोवाइड कराती है स्कॉलरशिप के, जिसमें आपको कुछ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करें तो बच्चों के क्या कैसे रिव्यूज़ हैं, यहाँ अगर हम बात करें एकेडमिक एनवायरनमेंट ठीक ठाक है, इंगेजिंग क्लासरूम है ना, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, इंटरेक्टिव लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, डिस्कशन भी हो जाता है, जो कंटेम्प्रेरी इशूज चल रहे हैं उनको लेके डिस्कशन पर्याप्त हो जाता है, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है, जो कि रेगुलर होते हैं, एक्टिविटीज से रिलेटेड है, बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपोजर और लीगल प्रोसीजिंग से रिलेटेड आपके ये चलते रहते हैं, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी ठीक ठाक है, बहुत सारे लॉ फर्म्स के साथ, NGOs के साथ, कॉरपोरेट लीगल डिपार्टमेंट्स ये बच्चों को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, साथ ही साथ लाइब्रेरी की व्यवस्था तो है ही, जो आपको बहुत सारी व्यवस्थाएँ हाँ जो ज्ञान अर्जन करना है वो मिल जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी व्यवस्थाएं हैं, वर्कशॉप सेमिनार लगे रहते हैं समय समय पे, इंटरेक्शन अलग अलग, चाहे वो हम फैकल्टीज़ की बात करें, दूसरे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो एलमनाइज नेटवर्क हैं, प्रोफेशनल हाँ जो लोग हैं उनकी आपको यहाँ पर इंटरेक्टिव सेशंस मिल जाते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है, हॉस्टल लाइफ की व्यवस्था भी बढ़िया है, ऑन कैंपस हॉस्टल है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विक्रम यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करी जा रही हैं। इनके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो मूड कोर्ट की हो, लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, हॉस्टल है, IT फैसिलिटी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेमिनार है, लीगल एड क्लिनिक है, तो ये सारी व्यवस्थाएँ जो एक जनरली इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए ये सभी व्यवस्थाएं आपको मिल जाती है। कल्चरल और स्टूडेंट क्लब की बात करें तो कल्चरल डिबेट, लिटरेरी, स्पोर्ट, ड्रामा, थिएटर, म्यूजिक, डांस, NSS, NCC, एनवायरमेंटल, फोटोग्राफी क्लब, ये सारे ऑप्शंस हैं, हालांकि इनमें से मुश्किल है 2-3 ही बच्चे प्रेफर करते हैं, आप एज अ लीगल प्रोफेशनल की बात करें, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा, लेकिन ऑप्शंस आपको पर्याप्त हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे जंक्शन जो है उज्जैन जंक्शन 5-6 किलोमीटर पर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बस भी पर्याप्त है, बस स्टैंड के पास 4-5 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। एयरपोर्ट है इंदौर में 40-50 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से, और लोकल ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा वगैरह तो सब जगह मिल ही जाते हैं, तो ये व्यवस्थाएँ, कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इशू है नहीं, बहुत बढ़िया है कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्लब्स कैफे हैं ही बढ़िया यहाँ पर आपको,
हाँ थोड़ा सा धार्मिक नगरी है एक प्रकार से, तो व्यवस्थाएं वहाँ पर्याप्त हैं घूमने फिरने के लिए। हमने बात कर ही ली है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी, इतने मंदिर हैं, है ना, शिप्रा का तट है, और थोड़ा सा नेचुरल एनवायरनमेंट भी है जहाँ पे घूम फिर आप सकते हैं, ठीक है। सो बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, पर्याप्त व्यवस्थाएं, आश्रम वगैरह भी है, ठीक है। बच्चों का कहना है क्वालिटी एजुकेशन, मूड कोर्ट एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप भी मिल जाती है, कैंपस लाइफ अच्छी है, प्लेसमेंट ठीक ठाक है, थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक है, थोड़ा अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन ठीक है जितनी व्यवस्थाएं चल रही हैं एज अ स्टेट यूनिवर्सिटी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। तो ये पूरी बात रही विक्रम यूनिवर्सिटी की, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, लॉ के कोर्सेज भी और साथ बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वीडियो आपको शेयर करना है दोस्तों में ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए, और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर ले रहा है ताकि सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड आपको मिल जाए। बाकी अगर चाह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल पे हम बताएं क्या होगा बेस्ट आपके लिए, तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिल करिए और हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.